सफ़ेद फूल मिल जाए पलाश का तो हमारी भी तकदीर बदल जाए। कहते हैं और सुनते तो यही हैं, देखें क्या होता है, कहाँ तक पहुँच पाते हैं हम। अब समय आ गया है पलाश के खिलने का। पलाश का क्या महत्व है, सफ़ेद जो पलाश होता है, हमने सुना है कि आपने भी प्रयास किया मिल जाए, क्या बताएंगे आप? ये इसके बारे में मैं सुना था कि इसका पलाश के जो सफ़ेद वाली फूल है उनका प्रार्थना करने से, उनका यज्ञ करने से चमत्कारिक है और इससे इंसान का गायब होने का संभावना है। इस कारण मैं भी बहुत प्रयास किया लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली। कहीं पर मुझे सफ़ेद पलाश का वृक्ष नहीं दिखाई दिया, जहां भी मिला लाल रंग की ही पलाश दिखाई दिया। क्या शिवदास जी, जी सफ़ेद पलाश है जी, अब थक गए हैं आप, अब आपने बंद कर दिया है? हाँ, अभी तो प्रयास को मैं कुछ दिन के लिए रोक दिया हूँ क्योंकि घर में कुछ काम पड़ गया था। और फिर अब सफ़ेद फूल खुलने का बारी आ गया है। इस मौसम में क्या है, हमें सब खुलते हैं। अब इसमें फिर प्रयास करूँगा, अगर मिल जाए भगवान, अगर कहीं मिला दें तो फिर प्रयास करूँगा और इसे साधना करने की कोशिश करूँगा। तो क्या सफ़ेद पलाश जो है, क्या मान्यता जो है कि ये चमत्कारिक है, आदमी गायब हो सकता है, धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा, इसमें सच्चाई है? ऐसा तो मैं भी सुना हूँ कि इस बात में बहुत सच्चाई है क्योंकि बहुत लोगों ने खोजना शुरू कर दिया था। इसकी बहुत ज़्यादा कीमती भी देने की ऑफर मिली थी, खोज के दो हमको, आपको करोड़ों रुपए देंगे, लाखों रुपए देंगे, इस टाइप का लोग आ कर के बोलते थे। तो हम भी कम, हम तो पैसे की लालच नहीं लेकिन साधना करके देखते हैं क्योंकि भक्ति लाइन में हम भी रहते हैं, इसलिए प्रयास में लगे हुए हैं और मिल जाए सफलता तो अच्छी बात है। तो शिवदास जी, अब समय आ गया है, फरवरी मार्च में ये पलाश खिलता है जी, हमारी शुभकामनाएं हैं जी कि आप प्रयास करिए और शायद एक नया युग परिवर्तन हो जाए आपके जीवन में जी। शुभकामनाएं हैं जी।